नमस्कार, मैं अशोक बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा, आपके सामने एनवायरनमेंट का दूसरा लेसन लेके आया हूँ, जिसका नाम है इकोलॉजिकल नीड्स एंड हैबिटेट। हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी है निकेत और आवास। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। निकेत क्या है, इकोलॉजिकल नीड्स, ये सबसे पहले 1973 में जोसेफ ग्रीने नाम के विद्वान हुए, उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजिकल नीड्स वर्ड दिया। इकोलॉजिकल नीड्स वर्ड वाज कॉइन्ड बाय जोसेफ ग्रीनेल इन 1973। है क्या नीड्स, किसे कहते हैं नीड्स, क्या है नीड्स, है एक पारिस्थितिकी तंत्र में, एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज का क्या रोल है। इकोलॉजिकल नीड्स इज ए स्पेसिफिक जॉब, या यूं कह सकते हैं रोल, या यूं कह सकते हैं अपन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज का उसके नेचर के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर उसका क्या कार्यात्मक विशेषता है, उसका क्या भूमिका है, उसकी क्या रोल है, ये कहलाती है इकोलॉजिकल नीड्स। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए, एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन भौतिक, रासायनिक और पारिस्थितिकीय तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सब इकोलॉजिकल नीड्स या निकेत कहलाता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। अब हम बात करेंगे कि इकोलॉजिकल नीड्स और आवास के अंदर क्या डिफरेंस है, हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीड्स क्या है। मित्रों, यह है नीड्स और यह है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है आवास और नीड्स का मतलब है निकेत। नीड्स क्या है और हैबिटेट क्या है, ये गोला बनाया मैंने, ये है हैबिटेट और इसके अंदर एक छोटा सा गोला बनाया, ये है नीड्स। यूं कह सकते हैं कि नीड्स हैबिटेट का सब टाइप है, या यूँ कह सकते हैं कि उसका एक उपभाग है वो है नीड्स और ये इसका सुपर भाग कह सकते हैं, या एक हैबिटेट में एक से अधिक नीड्स हो सकते हैं, एक से अधिक नीड्स हो सकते हैं। जबकि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, यह स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, प्रजाति केंद्रित होता है। यूँ कह सकते हैं कि एक प्रजाति का अपना एक विशिष्ट नीड्स होता है, एक प्रजाति का अपना एक विशिष्ट निकेत होता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि दो प्रजातियों का सेम नीड्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि दो प्रजातियों का नीड्स कहीं पर ओवरलैप कर सकता है, लेकिन उनमें कुछ न कुछ दो डिस्टिंक्ट डिफरेंशिएशन होगा, कुछ न कुछ तो अलग विशेषता पाई जाएगी। अर्थात यूं कह सकते हैं कि दो प्रजातियों का एक निकेत नहीं होता, प्रत्येक प्रजाति का अपना अपना निकेत होता है और वो यदि किसी दूसरी प्रजाति के साथ ओवरलैप करता है तो उसमें जरूरी है कि कुछ न कुछ अलग विशेषता पाई जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे ये
एक बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ पर बहुत सारे जीव रहते हैं, ये ए जीव, ये बी जीव, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, पांच प्रकार के जीव देख लिए हमने। तो ये इन सब जीवों के लिए क्या है, आवास है। इसका मतलब है कि आवास लार्जर होता है, इसलिए मैंने गोला बड़ा बनाया। आवास क्या होता है, लार्जर। जबकि निकेट इसका मतलब है कि ए प्रजाति है तो वो इस क्षेत्र में अपना खाना खाएगी, यहाँ निवास करेगी, यहाँ पर प्रोडक्शन करेगी, बी यहाँ प्रोडक्शन करेगी, सी यहाँ प्रोडक्शन करेगी, एफ यहाँ प्रोडक्शन करेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रजाति का अपना अपना क्षेत्र है और वो दूसरों से भिन्न है। तो ये ए का ये क्षेत्र कहलाएगा निकेत, बी का ये निकेत, सी का और ये सब प्रजातियों का एक पेड़ पौधा क्या कहलाएगा, एक पेड़ कहलाएगा आवास। इसका मतलब है कि आवास लार्ज होता है और ये निकेत स्मॉल होता है। एक ही आवास में एक से अधिक निकेत पाए जाते हैं। जैसा भी देखा, एक आवास कौन सा है, ये वृक्ष है और इस पर विभिन्न प्रकार के निकेत पाए जा रहे हैं, ए का निकेत, बी का निकेत, सी का निकेत। इसका मतलब है एक आवास में एक से अधिक निकेत पाए जाते हैं, लेकिन एक स्पीशीज का एक ही निकेत होगा। इसका मतलब है कि एक स्पीशीज या एक निकेत में एक से अधिक प्रजातियां नहीं रहती, एक निकेत में एक से अधिक प्रजातियां नहीं रहती। ये बात गौर करने लायक है कि एक आवास में एक से अधिक निकेत पाए जाते हैं, जबकि एक निकेत एक ही स्पीशीज का होता है, एक से अधिक स्पीशीज का एक निकेत नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ये हम यूं कह सकते हैं कि हैबिटेट तो एक प्लेस है जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, और निकेत क्या है, उस प्लेस में उस प्रजाति क्या प्रोफेशन करती है, क्या कार्य करती है। तो ये तो हो जाएगा उसका वर्ब हो जाएगा, यानी कह सकते हैं रोल हो जाएगा। एक निकेत, निकेत क्या है, एक प्रजाति द्वारा किया जाने वाला प्रोफेशन या उसका जो कार्य है उसे क्या कहेंगे हम, निकेत कहेंगे। जबकि हैबिटेट क्या है, एक आवास है। जैसे ये महाविद्यालय हैबिटेट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, टीचर, स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, पढ़ने आते हैं, तो वो इन सब के लिए क्या कहलाएगा, हैबिटेट। लेकिन इस हैबिटेट के अंदर एक प्रजाति, जैसे कि एक टीचर है, टीचर में भी जैसे कि मैं हूँ तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा स्पेशल निकेत है, मेरा निकेत है ज्योग्राफी पढ़ाना। दूसरे सर का निकेत है हिस्ट्री पढ़ाना, इकोनॉमिक्स पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना, संस्कृत लिटरेचर। तो प्रत्येक प्रजाति का, यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रोफेसर का अपना अपना एरिया होता है या डोमेन होता है जिसमें वो कार्य करता है। जैसे मेरा डोमेन है ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी मेरे लिए क्या है, ये मेरा निकेत है। जबकि हम सब प्रोफेसर का ये कॉलेज क्या है, हैबिटेट। ये बात ध्यान रखना, इसलिए हैबिटेट बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है। अब हम बात करेंगे कि नीश कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ नीश, टाइप्स ऑफ नीश। नीश दो प्रकार का होता है, पहला है फंडामेंटल और दूसरा होता है रियलाइज्ड। फंडामेंटल और रियलाइज्ड दोनों में क्या डिफरेंस है, यह थ्योरेटिकल होता है जबकि ये रियल होता है। कैसे, फंडामेंटल नीश वो है जहां पर किसी दूसरी प्रजाति का इंटरफेरेंस नहीं पाया जाता, नो इंटरफेरेंस। क्या वर्तमान समय में या इस पारिस्थितिकी तंत्र में
कोई एक प्रजाति स्वतंत्र रह सकती है क्या? नहीं, कोई भी प्रजाति फ्रीडमली नहीं रह सकती। जबकि फंडामेंटल नीश ये कहता है कि ये वो नीश है जो फ्रीडमली रहता हो, किसी दूसरी प्रजाति का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, इस प्रकार का नीश फंडामेंटल नीश कहलाता है। यह केवल सैद्धांतिक है, वास्तविकता में नहीं पाया जाता। जबकि अब हम बात करेंगे रियलाइज्ड नीश की। रियलाइज्ड इसका मतलब ये रियल है, थ्योरेटिकल नहीं है, इसका मतलब है प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस पाया जाता है। इंटरफेरेंस पाया जाता है कैसे? जैसे कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ कॉम्पिटिशन करती है, प्रतिस्पर्धा, सहभागिता। जैसे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परजीवी जीव होते हैं, पैरासिटिज्म, परजीवी जो कार्य होता है। इसका मतलब है कि एक जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस है, यहाँ कंपटीशन पाया जाता है, ये रियल है। और ये यहाँ पर कोई भी फ्रीडम नहीं हो, फ्रीडमली नहीं रहते, तो ये हो जाएगा रियलाइज। तो ये दो प्रकार के इकोलॉजिकल नीश हो गए, एक हो गया फंडामेंटल और दूसरा हो गया रियलाइज। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हैबिटेट का क्या उदाहरण है? जैसे एक पॉन्ड है, तालाब है, उस तालाब के अंदर मछलियां भी रहती हैं, कछुए भी रहते हैं, कुछ छोटे जीव भी रहते हैं, तो पॉन्ड क्या कहलाएगा? हैबिटेट। जैसे कोई रिवर है, जैसे कोई ओशन है, जैसे कोई माउंटेन है, जैसे कोई प्लेन है, जैसे कोई ट्री है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? हैबिटेट। जबकि दूसरा जो उदाहरण है अपने पास में नीश का, नीश क्या है? तो नीश क्या है कि एक स्पीसीज क्या खाती है, व्हाट ईट, वेयर लिव, रहती कहाँ है, क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन, ये सब कार्य नीश के उदाहरण है। इसका मतलब नीश क्या है कि एक प्रजाति क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, किसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, तो ये हो गए नीश के उदाहरण, जबकि वो हो गए हैबिटेट के उदाहरण। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नीश का क्या महत्व है। मित्रों, जब हमें ये पता होगा कि किसी स्पीसीज को जीवित रहने के लिए किस भोजन की आवश्यकता होगी, किस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, किस क्लाइमेट की आवश्यकता होगी, या कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर है जो किसी प्रजाति को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जब हमें इन सब कारकों का पता होगा, तब हम किसी प्रजाति को कंजर्व कर पाएंगे। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी जनजाति प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि हमें उसके नीश का ध्यान हो। जब हमें नीश का ध्यान होगा कि एक प्रजाति इन इन कंडीशन में जीवित रह सकती है, यहाँ पर रहती है, यह खाती है और इस प्रकार से अंडे देती है या इस प्रकार से प्रोडक्शन का कार्य करती है, सब हमें ये ध्यान होगा कि इस प्रजाति के लिए किन किन कंडीशन की आवश्यकता होगी, और जब हम उन कंडीशन को फुलफिल कर देंगे, तब किसी भी प्रजाति का इन सिटू कंजर्वेशन संभव है। या यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए विभिन्न प्रजातियां संकटग्रस्त होती जा रही है। जब इन प्रजातियों को संरक्षण और वर्तमान समय में इन सभी प्रजातियों का संरक्षण बहुत ही महत्व आवश्यकता वाला मुद्दा बन गया है, इसीलिए हमें जरूरी है कि प्रत्येक प्रजाति के नीश का ध्यान हो, प्रत्येक प्रजाति के निकेत का ध्यान हो। जब हम निकेत की विशेषता पहचान लेंगे और जब उन पहचानी गई विशेषताओं का फुलफिलमेंट कर लेंगे, तब किसी भी स्पीसीज का संरक्षण करना बहुत ही आसान है। तो मित्रों, आज का इकोलॉजिकल नीश और हैबिटेट का ये लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आनंद में रहिए, सदा प्रसन्नचित रहिए और एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। धन्यवाद।